Jitu sir, good evening. Bapida, good evening. Tushar sir, thank you. Thanks for coming. दादा वेगळेपण म्हणजे किती गोष्टींचा कहरच केलाय ना, म्हणजे अगदी तारीख बदलल्यापासून हिरोला तुम्ही अगदी ट्यूब वरती आणलं तो. नाही ऍक्च्युली माझी हेअरस्टाईल चेंज केल्यापासून मी खूपच वेगळा दिसायला लागलोय आणि अजून वेगवेगळ्या गोष्टी करायला लागलोय. इंटरेस्टिंग, वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही करत आहात आणि लकी फिल्म मधनं तुम्ही अभय महाजन आणि सतीला इंट्रोड्यूस करतायत. म्हणजे धक्का दिला तुम्ही, सई नाही, स्वप्नील नाही, चक्क तुम्ही यांना घेतलेले आहेत. ऍक्च्युली काय झालं, बहुत बदनामी सहली आहे मैंने पिछले 5-6 सालों में कि मैं हमेशा सिर्फ एक ही स्टार कास्ट के साथ काम करता हूँ, एक ही स्टार कास्ट के साथ काम करता हूँ. सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट निकालते हैं कि कोणालाच उत्तर द्यायची गरज नाही लागणार. ॲक्च्युली त्यांना प्रत्येकाला मी हे सांगू शकतो की देख यार क्या आहे, स्टोरी ऐसा आहे, स्टोरी का डिमांड ऐसा, तो मैं क्या करूँगा यार. सो दॅट इज द रीज़न, वेल जोक्स अपार्ट, पण आणि सध्या तुमच्यापर्यंत पण व्हिडिओ पोहोचला असेल, अनेक फॅन्सनी पण क्रिएट केलेला आहे. कोपच्या सॉन्ग जे सध्या प्रचंड गाजतंय आणि कोपच्या सॉन्गच्या माध्यमातून तुम्ही ट्रिब्यूट दिलेला आहे आणि हेही पुन्हा फर्स्ट टाइम घडलंय की मराठी सिनेमामध्ये एका वेगळ्या लँग्वेजच्या गाण्याला ट्रिब्यूट दिला जातोय. या हटकेपर्यंत कमाल काय. ऍक्च्युली कोपच्याचं सगळं क्रेडिट आहे ते अमित राजचं आहे आणि वैशाली सामंतचं आहे ऑफकोर्स, कारण या दोघांमुळे आणि स्पेशली वैशालीमुळे आम्ही बप्पीदांना भेटू शकलो. सो ॲक्च्युली बप्पीदा बहुत दिनों से आपको बताना था लेकिन अभी सबके सामने ये बताने का मौका है, इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन से हम आपके गाने सुन रहे हैं और जब मैं मिला आपको तभी मुझे मालूम था कि मैं एक लेजेंड से मिलने जा रहा हूँ और मैं लेजेंड को मिल रहा हूँ. लेकिन आपको मिलने के बाद ना एक अलग सा मजा आया. आई वॉज कम्प्लीटली बप्पीदा, आई वॉज कम्प्लीटली थिंकिंग अबाउट बप्पीदा. सो मैंने ऐसे पूरा सर्च किया बप्पीदा ने क्या क्या किया, बप्पीदा ने क्या किया, क्योंकि ऐसे हुआ ना कि बप्पीदा को मिलने के बाद पता चला अरे ये गाना भी बप्पीदा ने किया, वो गाना भी बप्पीदा ने किया. तो मैं बोला यार बप्पीदा ने कौन से गाने किए, और मुझे पता चला कि बम्बई से आया मेरा दोस्त बप्पीदा का गाना है तब तक सॉरी बप्पीदा, लेकिन ये गाना मैं स्कूल पिकनिक से लेके कॉलेज पिकनिक तक और हम लोग गाते रहे, हम लोग इसमें बड़े हो गए, लेकिन उस आदमी को मैं मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो आई एम रियली ग्रेटफुल बप्पीदा दैट आपने हमारे लिए कुछ गाया, और आई मीन इट वाज अ डिफरेंट मोमेंट इन माय लाइफ. एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो दूसरे हस्ती आए हैं, जीतू सर आपको भी बताना चाहता हूँ, मौका मिला है मुझे, माइक हाथ में आया इसलिए बोल रहा हूँ. कैसा है ना सर कि ढल गया दिन हो गई शाम बोलते बोलते मैंने बहुत फ्लर्टिंग कर लिया था लेकिन मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मेरे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे वो आदमी आएगा और वो ऐसे मेरे सामने होंगे और वो मेरा ट्रेलर लॉन्च करेंगे. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड आई मीन इट. सो थैंक्स फॉर कमिंग सर. बट ये जो गाना है कोपचा, जी तो सर आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली. सो कोपचा का जो आइडिया है ना, सो जब हमने फिल्म शुरू की और मैंने फिल्म साइन की ना लकी नाम की, तो उस दिन से मैं हमेशा हमारे प्रोड्यूसर के मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा. सो मुझे ऐसे लगा कि यार आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम, और जैसे मुझे पता चलने लगा आपके बारे में और सूरज सिंह और आपकी रिलेशनशिप, so we thought that we should make him happy, you know, and that is how we came up with this idea of having a tribute to Himmat wala song ki hamari taraf se producer ko ek tohfa hai aur ek tribute aapke liye hai sir. कमाल आवाज ज्यांनी दिला आहे त्या वैशाली सामंत देखील. आणि पहिल्यांदा असं झालेलं आहे मराठी या फिल्ममध्ये, म्हणजे खूप वर्षानंतर, की सगळी गाणी जी आहेत ती एकाच गीतकाराने लिहिली आहेत. ते आहेत सचिन पाठक, म्हणजे आपले यो. आणि सध्या पंकज अँड अमितराज माझ्यासोबत आहेत. वैशाली ताई यांनासुद्धा मी इन्व्हाइट करते की त्यांनीसुद्धा स्टेजवरती यावं.
तुमच्या दोघांकडनं मला जाणून घ्यायचं आहे, संजय दादा की फिल्म मतलब ये दोन तो आएंगे आएंगे, पण या फिल्मची गाणी करताना टॉस वगैरे केले गेले होते आणि मग गाणी सिलेक्ट झाली होती म्हणे, हां काय स्टोरी आहे ती? सिन्स फ्रॉम दुनियादारी से हम लोग दादा के साथ है आणि दादा दादांबरोबर प्रत्येक सिनेमा आम्ही करतोय. तर ह्या सिनेमाच्या वेळेला पण असंच झालं की चार गाणी आहेत, तर कोण करणार, कुठली कुठली सिच्युएशन कोण करणार, तर आम्ही असं एकमेकाचे चेहरे बघत होतो. मग दादांनी सांगितलं एक काम करूया, हम लोग टॉस करते, सो जो जीतेगा वो गाना करेगा. सो हाँ, तो वैसे टॉस किया गया और फिर वैसे गाने डिस्ट्रीब्यूट किए गए. सो दो गाने इन्होंने किए, दो गाने मैंने किए. अमितनी सांगितलं त्याप्रमाणे टॉसला कॉईन पण सेमच होता जो आधीच्या सिनेमाला होता. तर अशा पद्धतीने गाणी बनली आहेत आणि आपण कोपच्यात ऐकलं, अजून गाणी येतील ते पण तेवढेच एनर्जेटिक आहे, बघूया. ओके, गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. इजंट इट अ ग्रेट फीलिंग दॅट वी हॅव टू लिव्हिंग लेजंड्स विथ अस today. Woo! And that makes this entire event very, very special. So we welcome both of you, and it's our honor and pleasure to have you here today for this event. But that makes everything so special. Sanjay Jadhav या व्यक्तीने इतक्या दिवसात इतके फिल्म्स करून जी काही जादू केले आणि प्रत्येक फिल्ममध्ये ही नवीन जादू असते. सो आय एम सो लकी, I'm so lucky to be a part of this jadoo once again. 2019 ki isse achhi shuruaat kya ho sakti hai. So aur kuch nahi kahungi, jinke gaane sunke hum bade hue hain, jinke gaano pe hum naache hain, kabhi laga nahi tha ki dada ke sath gaane ka mauka milega. Such a I was just talking to Amit Raj in the afternoon when we are giving interviews ki the bappi lahari ये नाम, इस नाम के साथ कभी मैं जुड़ूंगी एज अ सिंगर, इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू दादा. एंड जब एक क्रिएशन हो जाता है इट्स अ फॉर एवर, वो हिस्ट्री हो जाती है एक, इट्स लाइक इट विल बी ऑलवेज देयर. सो वो फीलिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लकी फिल्म के लिए, संजय जाधव जी की फिल्म के लिए अमित ने गाना बनाया, यो ने वो लिखा और दादा ने जो गाया उसके साथ मैंने गाया. That's it for me. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Hey, Sagra, mala ikare bhi aale. Amit, Pankaj and Vaishali di. Thanks a lot. Please have a seat. And actually, unhone har genre ka cinema kiya hai. Right? Matlab, har shades unhone experience kiya hai. Unke white shoes jitne zyada famous the, utne hi unke dialogues bhi famous the. Hum unhe yu to jumping jack bulate hai. Lekin, जब वो डांस करते थे, जब उनका सीक्वेंस आता था, तो उसके पहले वो चार दिन रिहर्सल करते थे, ऐसे मैंने पढ़ा है. और अब हम सबको उनसे बात करने का मौका मिल रहा है लकी ट्रेलर लॉन्च की वजह से. मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे सबके फेवरेट जीतू दा को स्टेज पे. हेलो सर, गुड इवनिंग. नमस्कार सर. नमस्कार, मैं पहले एक्चुअली जय माता दी. यस सर, अभी आपने लकी का ट्रेलर देखा, आपको गाना भी देखा, कुछ याद आया, फ्लैशबैक में गए, क्योंकि जो कोपचा सॉन्ग है उसने आपको कुछ याद दिला दिया होगा. 25th फेब को मुझे लगता है कि हिम्मत वाला को 36th ईयर होने वाला है. अगर ये गाने के स्टेप्स उस वक्त देखे होते, आई वुड हैव बीन मच बेटर डांसर. एनीवे, आप सबको मेरा जितेंद्र का प्यार भरा नमस्कार. मेरा गला बैठा हुआ इसलिए मैं वैसे भी कोई गाने वाला नहीं हूँ, पर मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ. कहते हैं हमारे ज़माने में नहीं था इतना, पर लेकिन आजकल ये कहते हैं कि आपका ट्रेलर देखकर आपकी पिक्चर को ओपनिंग लग सकती है, बिकॉज द बज इज़ क्रिएटेड विद द ट्रेलर. और इस ट्रेलर को देखकर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ, इट इज़ गोइंग टू हैव अ बम्पर ओपनिंग. वो कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, कमिंग इवेंट कास्ट द शेडोज बिफोर, दैट इज़ वाई दिस ट्रेलर इज स्पीकिंग अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू कम. इट इज़ गोइंग टू बी अ बम्पर सुपर डुपर हिट. एंड मेरी तह दिल से दुआ है, ये जो बच्चा है हमारा जिसने पिक्चर प्रोड्यूस किया है,
ये शोभा मेरी बीवी को और मुझे माँ बाप जैसे ट्रीट करता है, जेन्युइनली ट्रीट करता वैसे ही। और मेरी बहुत दुआ है कि मालिक इसको इतनी तरक्की दे, बिकॉज ये बहुत काबिल इंसान है, ही जेन्युइनली डिजर्व्स इट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जय माता दी।